चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब जो किडनी है वो कैसे काम करती है। मतलब अब किडनी के पास क्या जाता है, ब्लड, और ब्लड में जितना भी इम्प्योरिटीज होता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो किडनी फिल्टर करके ब्लड को वापस भेज देती है। अच्छा, ब्लड से हमें क्या क्या चीजें निकालनी होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, NaCl, आयंस, ये सब हमें ब्लड से किडनी निकाल देती है और प्लेन ब्लड वापस से ऊपर भेज देती है। यहां तक कि बच्चों, किडनी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ब्लड में से प्रोटीन और ग्लूकोज वाला पार्ट भी निकाल लेता है, ठीक है। अच्छा, अब किडनी में काम कौन करता है, किडनी का तो जो स्ट्रक्चर, उसमें काम कौन करता है बच्चों, उसमें काम करता है नेफ्रॉन, मतलब किडनी का सेल। तो किडनी, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, और दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो टोटल हमारे पास 2 लाख नेफ्रॉन है, ठीक है। अभी मैं आपको जो फंक्शन दिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक नेफ्रॉन का दिखाऊंगा, बाकी सारे नेफ्रॉन वही काम करते हैं, ठीक है। देखो, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक रेनल आर्टरी है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहां से पूरा ऐसे ऐसे आप देखोगे, इसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है सर, NaCl है सर, प्रोटीन है सर, ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, वो सब इसी के अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होता है, अब इसके नीचे बच्चों यहां पर एक आर्टरी का गुच्छा होता है। ये सिर्फ एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, नेफ्रॉन की, ये पूरा आर्टरी का गुच्छा रहता है। इस आर्टरी के गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है ग्रोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। और ये जो हमारा ग्रोमेरुलस फिल्टर है, ये एक कप शेप पार्ट के अंदर रहता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। अब देखो, यहां पर रीनल आर्टरी ने ब्लड किसको दिया, ग्लोमेरुलस फिल्टर को, और ग्लोमेरुलस फिल्टर किसके अंदर है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर है। सर ब्लड आ तो गया, पर अब ब्लड जाएगा कहां, देखो यहीं से ब्लड जाने का भी रास्ता होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन, यहां पे लिख लो, क्या नाम देंगे इसका, रीनल वेन, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ब्लड आया और वेन के थ्रू चला गया। अब देखो, आर्टरी के थ्रू क्यों आता है, क्योंकि यहां पर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड किसके थ्रू बाहर भेजता है, आर्टरी के थ्रू, और अब यहां पर ये ब्लड वापस कहां चला गया, हार्ट के पास, तो हार्ट के पास ब्लड लेके कौन जाता है, सर वेन लेके जाता है। तो ये दो तो अब हमेशा याद रहेंगे, या अब नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखो, बोमेन कैप्सूल से आप देख सकते हैं एक अलग से पाइप निकल रहा है, ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं एक अलग से पाइप निकलता है। ये वाला जो आप एक राउंड राउंड पाइप देख रहे हैं यू शेप का, इसको नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले, क्या नाम दिया गया इसको, इसको लिखते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये जो हमारा कैमल होता है उसमें ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा कि ये कैमल में बड़ा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो, इसको क्या है, अलग 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 पार्ट्स में बांटा गया, लूप ऑफ हेनले को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, यहां से लेके यहां तक जो फर्स्ट पार्ट है इसको नाम दिया गया है PCT का, ठीक है, क्या नाम दिया गया, PCT, ये क्या है, क्या नाम दिया गया, PCT, क्या होता है, प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फर्स्ट क्यों, क्योंकि ये पहली ट्यूब है, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियरर, नियरर किसके, सर बोमेंस कैप्सूल के सबसे नियर में है। ये क्या करते हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक बार खाली आप नेमिंग जान लो कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा किडनी का डायग्राम याद करेंगे तो ये जो पीसीटी है, ये जो पीसीटी है एंड बोमेन कैप्सूल है, ये हमारे किडनी के कौन से रीजन में लाई करता है, कॉर्टेक्स, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें लाई करता है। और लूप ऑफ हेनले क्या करता है, कॉर्टेक्स में जाता है, फिर मेड्यूला, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला, मतलब ऐसे ऐसे कॉर्टेक्स और मेड्यूला में गेम खेलता है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डी सी टी,
ठीक है। सीटी का मतलब तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ही होता है। डी का मतलब होता है डिस्टल। क्या मतलब होता है? डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। प्रॉक्सिमल किसके पास था? बोमेन्स कैप्सूल के पास था। और डिस्टल मतलब दूर, तो किससे दूर? सर बोमेन कैप्सूल से दूर, ठीक है। अच्छा, ये किडनी के कौन से पार्ट में पाया जाएगा? अगेन कॉर्टेक्स में, ठीक है। मेड्यूला में खाली लूप ऑफ हेनली जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा लूप ऑफ हेनली, किसको? यहां पर देखो ये ऊपर वाला पार्ट है लूप ऑफ हेनली, ठीक है। ये वाला कहां पर चला गया? ये हमारे किडनी के मेड्यूला में घूम के आता है। मेड्यूला में घूम के देखो यहां तक पार्ट किस में है? कॉर्टेक्स में। और फिर आगे वाला पार्ट कहां से घूम के आ रहा है? मेड्यूला में, ठीक है। कहां घूम के आया? मेड्यूला में। फिर वापस कहां चला गया? कॉर्टेक्स में। तो ये वाला पार्ट क्या है? लूप ऑफ हेनले। एक तरह से झूला, जो हम लोग ऊपर से नीचे झूला झूलते हैं ना, स्लाइडिंग वाला, देखो वो गाड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे, तो एक तरह से ये क्या है? एक तरह से झूला है, ठीक है। और ये यहां पर बाहर एक आउटरी डक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो यूरिन को बाहर निकालता है। एक तरह से ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, क्लियर। अच्छा, जैसे ये जो कलेक्टिंग आप डक्ट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही ट्यूब नहीं, बहुत सारी ट्यूब आती है अलग अलग जगह से किडनी के, और वो सब अपना यूरिन इसी में ही डालती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट किडनी के कौन से पार्ट में लाई करता है? अगेन मेड्यूला में लाई करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किडनी के कौन से पार्ट में कौन सा रीजन लाई करता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा प्रोसेस पे आते हैं। जो हमारी सबसे पहले रीनल आर्टरी है, ये ब्लड लेकर आ रही है, और ये रीनल वेन जो ब्लड लेकर जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीनल आर्टरी में बच्चों जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है और रीनल वेन में कम होता है। क्यों? क्योंकि रीनल आर्टरी का जो साइज होता है, साइज ऑफ रीनल आर्टरी इज ग्रेटर देन रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी का साइज बड़ा है तो ज्यादा ब्लड आ रहा है, और कम ब्लड जा रहा है तो प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर से, इतना प्रेशर से आ रहा है ना, इसके वजह से क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड वापस से घूम के रेनल वेन में चला जाता है, ठीक है, और यहां पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है बच्चों, ये फिल्ट्रेशन क्या है? एकदम हाई प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? बिकॉज यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स, ठीक है। अब देखो, ब्लड में बच्चों दो पार्ट होता है, ब्लड में दो पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर के वजह से यहां पर आ जाता है, और जो सॉलिड पार्ट मतलब जो रियल ब्लड है वो ऊपर चला जाता है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में क्या आ गया? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में हमारा प्लाज्मा आ गया, ठीक है। लिक्विड पार्ट में क्या आ गया? प्लाज्मा आ गया। उसके बाद ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूरिन आ गया, एमिनो एसिड आ गया। अब ये जो है, ये बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू पास होते हुए कहां पर आ जाएगा? पीसीटी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो रीनल आर्टरी है बच्चों, इसका एक और नाम होता है, जिसका क्या नाम है बताओ? इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरी। लिखो AFFERENT, एफरेंट आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है, और जो ब्लड लेकर जाती है उसको बोलते हैं एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट, ठीक है। ये वो है जो ब्लड लेकर जा रही है, क्लियर। अब बच्चों, फिल्ट्रेशन के बाद आता है रीअब्सॉर्प्शन। क्यों रीअब्सॉर्प्शन? क्योंकि देखो, यहां पर बोमेन कैप्सूल के थ्रू बहुत ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी आ गए जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं, जैसे वाटर, जैसे ग्लूकोज। इन सब की तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन ये सब तो किडनी से फिल्टर होकर बाहर आ गए, तो अब हमें इनको क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है, वापस से रीअब्सॉर्ब। जैसे सोडियम, इन सबको हमारा बॉडी क्या करेगा? वापस से रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और
ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, लिख लो डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, लिम्ब लिख दे रहा हूं, ये दोनों लिम्ब है लेकिन ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन पे एक पॉइंट देखते हैं। अब जितना हमें जरूरत होगा ना बच्चों उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जो मेरा ब्लड का नॉर्मल कंसेंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। जितना मुझे वाटर का जरूरत होगा उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, जितना ग्लूकोज और सोडियम का जरूरत होगा हम उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो सर उससे ज्यादा बॉडी के बाहर भगा देंगे। जितना जरूरत होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर। देखो आप फिर से देखते हैं, सर ब्लड आया, ठीक है, ग्लोमरस फिल्टर ने उसे अंडर प्रेशर फिल्टर किया। अब वो फिल्टर होके कहां पर आया, बोमेंस कैप्सूल में आया, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल से कहां गया, सर पीसीटी में गया, ठीक है। सर पीसीटी में क्या होता है, सर पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होता है। सर रीअब्सॉर्प्शन वाटर का होता है, ऑलमोस्ट टू थर्ड वाटर हम लोग रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वी कैन से दैट 75%, और ज्यादातर सोडियम ग्लूकोज एंड क्लोराइड के आयन्स हम लोग क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिर बाकी का बचा कुचा हम लोग कहां भेज देते हैं, लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद क्या आता है, डीसीटी डिस्टल। लूप ऑफ हेनले भी बच्चों रीअब्सॉर्प्शन का ही काम करता है, लेकिन यहां पर क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा नहीं लेता, बस थोड़ा सा पानी और साथ में कुछ सोडियम आयंस ले लेता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करके बाकी बचा कुचा कहां भेज देता है, डीसीटी के पास भेज देता है, ठीक है। डीसीटी में क्या है, बाकी बचा कुचा पानी एब्जॉर्ब होता है और साथ में क्लोराइड के आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमारा जो ब्लड का जो यूरिन का पीएच होता है, क्या वो एसिडिक होता है या बेस। सर एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक नेचर आता कहां से है, ये देखो इसका आने का रीजन होता है हमारा जो पीसीटी होता है, ये क्या सिक्रीट करता है, H प्लस आयंस, और ये H प्लस आयंस हमारा जो यूरिन है उसको कैसा नेचर दे देते हैं, एसिडिक नेचर दे देते हैं, क्लियर। अब देखो ये तीनों जो पार्ट है, चाहे पीसीटी की बात करूं चाहे डीसीटी की बात करूं, ये सब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इस पानी को स्टोर करके कौन रखता है, तो इस पानी को स्टोर करके रखता है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो ये सब निकल गया, अब क्या बचा, सर सिर्फ यूरिन बचा, और यूरिन में सर यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सब मिलके पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। ये किससे साथ मिला हुआ है, यूरिनरी ब्लेडर में जाके ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, और फिर तो आगे का मैंने प्रोसेस बताया है, वो सारा यूरिन निकल जाता है। यूरिन जो निकलता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ उस प्रोसेस को कैसे निकलता है, हम जब नल खोलते हैं तभी तो यूरिन बाहर निकलता है, वरना तो नहीं निकलता। तो उस प्रोसेस को, उन सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन, लिख दो MIC, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों कभी कभी हमारे बॉडी में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब या फिर जो पीसीटी का ही पार्ट है, एक्चुअली डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, तो ये क्या है, ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तब हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है। सर हमारे यूरिन में सर एक स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, वो क्यों आती है, वो आती है बिकॉज हमारे यूरिन में क्या है, एमोनिया, क्या है, एमोनिया, और एमोनिया की वजह से हमें स्मेल आती है, ठीक है, क्लियर हो गया। यूरिन का कलर समटाइम्स येलो भी होता है और समटाइम्स व्हाइट भी होता है, डिपेंड कि हमारी डाइट में, लेकिन सर येलो क्यों होता है उसका रीजन बता दो। एक येलो पिगमेंट होता है यूरिन में जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम, ठीक है। अब यूरिन के बच्चों कंपोनेंट्स में अगर मैं बात करूं कि यूरिन के सर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो यूरिन में ऑब्वियसली वाटर होता है, 95% क्या होता है,
वाटर और 5% क्या होता है सॉलिड वेस्ट जो उसमें मिला हुआ रहता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये वेरी करता है कि हम लोग खाना कैसे लेते हैं, हमारा डाइट क्या है, ठीक है। बट अप्रोक्स हम लोग ऑन एन एवरेज बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यूरिन में जो यूरिया होता है वो कितना ग्राम पर लीटर होता है, ये समझ लो आप 2.3 यूरिया मिलता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अमोनिया 0.6, ठीक है। यूरिक एसिड 0.7। तो ऐसे करके अलग अलग रेंज में हमें अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। और साथ ही साथ यूरिन में हमारे जो बॉडी में एंटीबायोटिक्स, हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो भी निकलती है, कुछ एक्सेस विटामिन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो भी यहां से निकल जाते हैं, क्लियर। अच्छा, जिसकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है और वो अगर उसकी यूरिन से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट कैसा है, डायबिटिक है, उसको शुगर की बीमारी है, ठीक है। और अगर कभी कभी अगर आपके यूरिन में से ब्लड सेल निकल रहे हैं, ब्लड सेल निकल रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ हुआ है या फिर किडनी में स्टोन हुआ हुआ है या कोई ट्यूमर हुआ हुआ है, तो इसकी बीमारी को क्या बोलते हैं बताओ, हेमोटूरिया, लिखो HAEMATURIA। जब उसके यूरिन में क्या मिलता है, हमें ब्लड सेल्स मिलते हैं, क्लियर। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि अगर हमारे यूरिन में से अगर बाइल पिगमेंट्स निकल रहे हैं, क्या, बाइल पिगमेंट्स लिख दो, बाइल पिगमेंट्स जो आपके यूरिन को येलो और डीप येलो कलर देते हैं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि अगर हमें बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस जॉन्डिस, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब अगर हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट पाया जाता है तो हमें पता चलता है कि उसको ये बीमारी है। अगर उसके यूरिन में अगर हमें ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके या तो कोई स्टोन है, ट्यूमर है। अगर उसके ब्लड में हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है, तब हमें पता चलता है कि इंसान को डायबिटीज है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोटीन भी अगर उस यूरिन में पाया जाता है जिसका नाम है अल्ब्यूमिन, लिखो AL, ये प्रोटीन का नाम है BUMIN, अल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर ये भी मिल रहा है तो इसका मतलब जो ब्लड प्रेशर से किडनी की तरफ आ रहा है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से आ रहा है, जिसके वजह से ये फिल्टर होके पास हो जा रहा है, ना कि वहीं पर रुक जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर का भी पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारा यूरिन का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। अब देखो, ये जो यूरिन आ रहा है, कितना यूरिन निकालना है, कितना यूरिन रखना है, कितना वाटर एब्जॉर्ब करना है, ये कौन देखता है, एक हार्मोन देखता है, ADH हार्मोन देखता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, क्या, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर ग्लैंड सिक्रीट करता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाए, सपोज ये हार्मोन कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूरिन निकलेगा पानी के थ्रू। तो अगर ये हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी से ज्यादा यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेसिस बोलते हैं, DURESIS, ड्यूरेसिस। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिससे हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेटिक्स बोलते हैं, DIU, ठीक है। वो सब्सटेंस जो हमारे यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेटिक्स। और वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि लिक्विड, अगर हम ज्यादातर लिक्विड लेते हैं तो, या फिर अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉफी लेते हैं, टी लेते हैं, ये सब डायरेटिक्स के अंदर आते हैं, क्लियर। अच्छा, बहुत बार हमें पता होता है कि किडनी में स्टोन बन जाता है या फिर गाउट, ठीक है,
किडनी स्टोन हो जाता है या गाउट हो जाता है वो क्यों होता है? देखो उसका रीजन होता है यूरिक एसिड अगर हमारे ब्लड से डिक्रीज नहीं होगा, यूरिन के थ्रू पास नहीं होगा, तो वो क्या बना लेगा, वो क्रिस्टल बना लेगा। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो सॉल्युबल कम होता है, मतलब लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, और क्या होगा ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। कहाँ क्रिस्टलाइज हो जाएगा? हमारे ज्वाइंट्स में, हमारा जो बॉडी का ज्वाइंट्स है। गाउट्स माने क्या, एक तरह से जो हम गठिया बोलते हैं वो हो जाता है, ठीक है, और हमारे ज्वाइंट्स में क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, और साथ ही साथ यूरिक एसिड में एक कंपोनेंट होता है, यूरिक एसिड में कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सालेट बोलते हैं। क्या? कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे किडनी में जमा हो जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। और ये कब होता है, जब हमारा किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो बच्चों यूरिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, और ये जो कैल्शियम ऑक्सालेट है ये बनने का इसको टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यूरिन जब आउट होता है तो उसके प्रोसेस को हमने समझा, क्लियर। तो हमारी किडनी बच्चों ब्लड को साफ भी कर रही है, और साथ साथ में ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है उसको भी मैनेज कर रही है। मतलब कि ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए, ब्लड में कितना सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। अब देखो अगर बच्चों किसी के बॉडी में पानी की कमी है, क्यों पानी की कमी है, भाई पानी नहीं पीता। अब किडनी में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन सपोज करो कि किडनी के जो पास जो वाटर अगर आया ही नहीं, इतना थोड़ा सा ही वाटर आया, तो किडनी को क्या करेगा, किडनी हल्का सा जो वाटर है वो तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, साथ ही साथ इसके यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि भाई आप देखो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बचा नहीं, और उसको तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वरना उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। तो किडनी एब्जॉर्ब कर लिया वाटर और यूरिया, अब उसके बॉडी में यूरिया का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, और यूरिया एक तरह से पॉइजन है और इंसान मर जाएगा, ठीक है। और ये कब होता है, इंसान को जब क्लोरा होता है तो वॉमिटिंग और बहुत एकदम पतला पतला पोटी निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी इंटेस्टाइन जो होती है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पानी मतलब इंटेस्टाइन क्या करता है, पानी को ब्लड में मिलाने का काम, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो पानी किसके साथ निकल जाता है, पोटी के साथ निकल जाता है। तो अब देखो पानी ब्लड में नहीं मिला, अब यही ब्लड किडनी के पास गया, किडनी में किडनी को पानी नहीं मिला, तो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, सर वो पानी के साथ थोड़ा सा पानी मिला उसके साथ यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास भगवान ने दो किडनी दी, ठीक है, सपोज एक खराब हो गई और एक है, तो भी इंसान अपना जीवन को आराम से चला सकता है, एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई तब तो बाबू उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस क्या होता है, ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो निकालता है। तो क्या होता है, इसमें दो तरह से सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं, एक जो ब्लड लेके आता है, मतलब लेके बाहर मशीन में ले आता है, और मशीन से वापस उसी हाथ में दूसरे नस में जो ब्लड लेके आ रहा है। तो ये जो मशीन है ये किडनी का काम करेगा, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज होगा वो अपने पास रख लेगा और बाकी सब कुछ दूसरे नब्ज के थ्रू बॉडी में वापस भेज देगा, क्लियर। तो बच्चों इतना सा ही था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बस आप लोगों को एक काम करना है, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो, रिवाइज करो और चैप्टर को फिनिश कर दो, ओके। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।